ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। किसानों की मांग है कि जल्द गन्ने का भुगतान किया जाए, साथ ही पेराई सत्र से पहले गन्ने के दाम बढ़ाए जाएं। वहीं किसानों ने जिले के सभी चीनी मिलों पर 337 करोड़ रुपए ब्याज सहित देने की मांग की। जिले में आज भारतीय किसान यूनियन के किसान जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। किसानों की मांग है कि जनपद सहारनपुर की सभी चीनी मिलों पर उनका लगभग 337 करोड़ रुपया बकाया है, जिसका भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। किसानों का कहना है कि जब तक किसानों के गन्ने का भुगतान यहाँ का प्रशासन नहीं कराता, तब तक किसान जिला अधिकारी कार्यालय से उठने वाले नहीं हैं। किसानों ने कहा कि आज से वे अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। साथ ही किसानों की मांग है कि पेराई सत्र से पहले गन्ने का मूल्य भी बढ़ाया जाए। बता दें कि सहारनपुर के किसान गन्ना भुगतान को लेकर काफी लंबे समय से समय समय पर प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन किसानों के गन्ने का भुगतान समय से नहीं हो पाता। यदि किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता तो वे एकत्र होकर जिला अधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। मेरा नाम चौधरी सिंह, जिला अध्यक्ष किसान यूनियन जनपद सहारनपुर। आज का लड़ाई तो आरम्भ की लड़ाई हो गया। आज यार हम भी बाढ़ देखते देखते थक लिए। सरकार वादा पूरा करेगी, लेकिन वादा कोई पूरा नहीं हो रहा सरकार का। एक भी गन्ने का भुगतान ही है, वो आधा नहीं हुआ आज तक। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इन्हें ब्याज मिलना चाहिए। 5 दिन के बाद मिल जाए कोई ब्याज। नवा रेट ने कोई घोषित करा गन्ने का आज तक। अब नवा रेट 4 साल तक ये रेट चल रहा, किसान कहाँ जाएगा? यो इस पर सख्ती पूरी कर ली। बिजली विभाग वाले भागे फिर रहे, बिजली का कनेक्शन काट रहे, पैसा जमा करो। कहाँ तक करें पैसा जमा? हमारे बेकार ना, हमारी पर्ची दवा दो ना सरकार, हमारी पर्ची दवा दो, पर्ची ले लो। जो हमारी पर्ची पर हमारी जरूरी बजा बजेगी, जो उनसे बिजली का बकाया उससे दवा दो पर्ची, जो बैंक वहाँ उन्हें दवा दो पर्ची, हमारे वो करवा दो। तो सरकार हमारी तरफ कुछ नहीं कर रही, हमारा शुद्ध नहीं ले रही कि दे भी। हमने तो आज अंत में आया, अंत आया जंग आया। हम तो इसलिए आज यहाँ बैठे यार, आर बगल लड़ाई लड़के चलाएंगे, मरेंगे या मारेंगे, बस बड़ा पैसा लेके जाएंगे बस। ठीक है, अशोक कुमार, जिला महासचिव भारतीय किसान यूनियन सहारनपुर। आज का ये धरना है, किसान बहुत परेशान हो गए। पूरे उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर, राष्ट्रीय आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन धरना दे रही है अपनी मांग लेकर। पहली मांग तो यू है, अख हमारा गन्ना बकाया भुगतान क्यों नहीं कर रही सरकार? दूसरी मांग ये है, पेराई सत्र चालू होने जा रहा, एक भी पैसा किसान का गन्ने का नहीं बढ़ाया सरकार ने। तीसरी मांग यह हमारी यहाँ है कि जो भी रेलवे में भूमि गई उसका मुआवजा दे किसान को। सहारनपुर में गांव लाखनौर पड़ा है, इसमें बहुत बहुत ही दिक्कत आ रही, किसानों ने उनकी चक्रोड तोड़ ली। एक मांग यह है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का फॉलो तो करे सरकार। जब जो चीनी मिल बकाया भुगतान नहीं देती किसान का, तो चीनी मिल मालिक जेल जाना चाह। जब किसान जेल जा सके बकाया में, तो चीनी मिल मालिक भी तो जाना चाह। हम तो सरकार को आज बताना है भाई, किसान अपना मांग रहा, किसी का नहीं ले रहा, वो अपना ही, मारा ही पैसा दे दो। बच्चे पढ़ाने, फीस देनी, डॉक्टर का मरीज जागा, एक पैसा किसान बनी है। आज तो रूपरेखा बन रही इसकी। अब ये धरना रफ्तार पकड़ेगा, जनपद सहारनपुर में रफ्तार पकड़ेगा। इसके अलावा किसी की कोई मांग यहाँ नहीं है, अपना पैसा लेना है। होता ही नहीं प्रदूषण तो, जो ये फैक्ट्री चल रही है आज देखो, कितनी फैक्ट्री चल रही, रेल चल रही, इन्हें कोई देख नहीं रहा। पुराली में तो प्रदूषण होता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे, सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के जज साहब कह रहे मुख्य सचिव को, उनको कि किसी किसान का उत्पीड़न नहीं होगा, उसकी FIR नहीं होगी, पुराली ठुवाने की सरकार व्यवस्था कराए। बता दो कहाँ व्यवस्था कर रही, उल्टे किसानों पर मुकदमे ठोप रहे। इस तरह सरकार वो हवाई लूट रही, इससे कहाँ काम चलेगा? किसान यूनियन चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत जी के आह्वान पर, राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर, जनपद सहारनपुर में चौधरी चरण सिंह जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है कि मिल चला दिए, पिछला भुगतान दिया नहीं, अगले की कोई उम्मीद नहीं, भाव खोलिया नहीं, 3 साल से सरकार ने कोई भाव बढ़ाया नहीं, और किसान की RC जारी कर रही, वसूली जारी कर रही। या बुद्धि सरकार, ऐसी ढोंगी सरकार योगी जी की हमने पहली बार देखी है। और इसी के त्रस्त होकर किसानों ने हमारे राष्ट्रीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर यह धरना अनिश्चितकालीन शुरू कर दिया गया है और किसानों की जो भूमि अधिग्रहण रेलवे फ्लैट कॉरिडोर में करी उसमें कोई रास्ता नहीं दिया और 150 रुपये मीटर पर लूट ली और किसान का सुट्टे मार रहे, तो इसके विरोध में जो यू शासन प्रशासन किसान की अनदेखी कर रहा। हमारा गन्ने का ब्याज सहित भुगतान नहीं दिया, 50% भुगतान हुआ जनपद सहारनपुर में 50 गांगनोली बजाज मिल का, और बस शासन प्रशासन हमारे खिलाफ तो FIR कर रहा और उनके खिलाफ FIR कर नहीं रहा। हमारी जो FIR है भुगतान की यू करेगा वो गन्ना आयुक्त, क्यों करेगा वो, यहाँ समिति के सचिव को अधिकार दो, यू अधिकार बांट कर रखो। ये जो इन सभी बातों के विरोध में आज राष्ट्रीय आह्वान पर चौधरी चरण सिंह जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना दिया जाएगा अनिश्चितकालीन, दिन रात ही पड़े, या तो जाएंगे जेल में और नहीं जाएंगे अपना हक लेकर पैसा लेकर जाएंगे ब्याज समेत।